माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान जारोली द्वारा कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से राजनीतिक टिप्पणियां की गई हैं वे अमर्यादित तथा असंवैधानिक हैं। उनका कार्यकाल फरवरी 2020 से शुरू हुआ, तब से लगातार कोरोना की रही, वे परीक्षा भी नहीं हुई, अतः उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करना निश्चित रूप से कोई मान्य नहीं रखता। इस राजनीतिक टिप्पणियों के कारण एक सांसद और प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी करके उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वह निंदनीय है और उनको तुरंत सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जाना चाहिए कि ऐसे अध्यक्ष शिक्षाविद के रूप में काम नहीं कर सकते। जहां तक रीट की बात है, रीट कराने की उनकी कार्यशैली में भी पूर्णतया वे असफल सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस प्रकार से लोगों के सस्पेंड हुए हैं, उसे स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं परीक्षा की के विश्वसनीयता पर इनके अध्यक्ष के कार्यकाल में संदेह प्रकट हुआ है। ऐसे अध्यक्ष जो बोर्ड की विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह लगाए, उनको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर अगले चुनाव जीतने की बात की है, वो जरा अपने शिक्षा मंत्री के अगले चुनाव की चिंता कर लें तो शायद उचित रहता। वे केवल अपने मंत्री को खुश रखने के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना निश्चित रूप से अनुचित है।